हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक का नाम क्या है? गोडाउन मैनेजमेंट। यानी जैसे आप लोग जैसे कोई भी माल परचेज करते हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ ऐसी रहती है जिनका जो माल है वो उनके मेन स्टोर में रखते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे आपका माल आपकी दुकान पे आप लाते हो, और उसका पर्सनली लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं और जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है उसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं। एक जनरली मैं आपके लिए बताऊं कि आप लोग जैसे एक कोई गाड़ी परचेज करी है, आपने डेट है उसकी 1/4/2024 को, एक परचेज का इनवॉइस आपने चढ़ाया, यानी 5,000 कार्टून आपके पास आए हैं। तो दोस्तों, आपका मेन स्टोर जो गोडाउन है उसके अंदर आपने 5,000 पेटे का एक परचेज का इनवॉइस चढ़ा दिया। अब जैसे जैसे आपको आवश्यकता पड़ती है आप क्या करोगे, आप एक स्टॉक ट्रांसफ़र का एक पर्चा बना के दोगे आपके बंदे के लिए, और वो वहाँ से लेके आएगा और उसको आप अपने मेन स्टोर में ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगा। और आप लोग इस तरीके से जो मैनेजमेंट बिठाओगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा मेरा मेन स्टोर में कितना पड़ा हुआ है और मेरी शॉप पे कितना माल पड़ा हुआ है, ये सारा आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन कब करोगे? जब आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रॉपर तरीके से यूज करोगे। काफ़ी लोग परेशान होते हैं, सर हमारा जो स्टॉक है वो नहीं मिलता है और हमें स्टॉक मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए यही बताऊंगा कि आप लोग जैसे एक वीडियो मैंने देखा था, अब वो हो सकता है कंपनी का वीडियो होगा, किसी पर्सनल पर्सन ने वो वीडियो बनाया था, उसके अंदर ऑप्शनल फील्ड का यूज किया गया है। बाकी जो ऑप्शनल फील्ड है उसका अगर आप यूज करते हो, जैसे आप एक मेटेरियल सेंटर की जगह आप ऑप्शनल फील्ड का यूज करोगे तो उसमें प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन नहीं होगा। अगर मैं उसमें जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, अगर आपने 5,000 पेटी किसी भी आइटम का ऑप्शनल फील्ड चालू करके उसको गोडाउन बना दिया आपने, एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको ट्रांसफ़र करने की बात आएगी, देखो कभी क्या होता है कि आपका ये जो 5,000 पेटी है इस गोडाउन में माल नहीं आया, आपने दूसरे गोडाउन में उसको शिफ्ट करना है। यानी अगर मेरे पास ये 5,000 पेटी मेन गोडाउन में मैंने स्टोर करवा दिया, उसके बाद जो आपका आइटम का ऑप्शनल फील्ड रहता है वो तो एक ही रहेगा, आप दो में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? मेरे हिसाब से वो फेल्ड कॉन्सेप्ट है। और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो ये मेटेरियल सेंटर का जो फीचर्स दे रखा है इसका आप यूज करोगे तो आपको प्रॉपर डिटेल मिलेगी। आप स्टॉक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आपको लगा कि इस गोडाउन में मेरी 500 पेटी आएगी तो 500 पेटी आप रख सकते हैं, बाकी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शनल फील्ड का जो प्रोसेस बताया है जिसने भी, वो एक रॉन्ग प्रोसेस है। और एक देखो, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें होती है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन रहता है, एक परमानेंट सॉल्यूशन रहता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है और बीजी का ही अपन इसमें यूज कर रहे हैं, इसमें अदर अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको समझना है। यहाँ पर एक परचेज का इनवॉइस मैं चढ़ाता हूँ, मैंने क्या क्या ऑप्शंस चालू किया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। पहले आपको ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ मेन कंपनी में आपको नहीं करना है, ये आपको एक नई कंपनी डेमो कंपनी आपको बनाना है, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है। अगर वो आपको अच्छा लगता है, वो आपके बिजनेस से शूट करता है तो आप लोग इस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे आप आपकी मेन जो कंपनी है उसमें आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक बार कोई ऑप्शन को चालू करने के बाद उस ऑप्शन को आप बंद नहीं कर पाओगे। आपको जो भी काम करना है एक टेम्परेरी एक कंपनी बनाओ, उसमें मैंने जो प्रोसेस आपके लिए बताया है उस हिसाब से आपकी रियल जो सिचुएशन होती है उस हिसाब से एक परचेज का इनवॉइस चढ़ाओ, आप स्टॉक ट्रांसफ़र करो, उसके बाद आपका स्टॉक चेक करो। आपका बिजनेस के लिए ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये सूटेबल है तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, तो दोस्तों आपको एक जनरल कंपनी बनानी है, उसके बाद आपको क्या करना है,
एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशंस पे आपको क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इन्वेंटरी पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है अनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंटरी, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है, वाउचर लेवल और आइटम लेवल। तो आपको आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो आपके 1, 2, 3, 4 गोडाउन हैं तो आप आइटम वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आइटम वाइज का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है, आपको बिल बनाने में काफ़ी समय चला जाएगा। क्योंकि अगर मान लो आपके पास एक बिल के अंदर 50 आइटम आप सेलेक्ट करते हो तो मटेरियल सेंटर सेलेक्ट करने में आपको काफ़ी समय चला जाएगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको वाउचर लेवल पे ही आप रख सकते हैं। इसका भी आप अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कंडीशंस क्या होती है, अगर आपने मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल का यूज कर लिया तो इस ऑप्शन को यूज करने के बाद आप इसको कभी भी बंद नहीं कर सकते, इस साल तो आप बंद नहीं कर सकते। तो आपको कोई भी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है, एक बार आपने चालू कर लिया तो उसको बंद नहीं कर पाओगे, एक साल तक आपको चलाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ें आप सोच समझकर चालू करें, ऐसा नहीं आपने चालू कर लिया उसमें वर्किंग कर ली, वर्किंग करने के बाद आप कोई सी भी कंडीशंस में आप उसको हटा नहीं सकते, वो आपके सामने ऑप्शन हाइड हो जाएगा तो उसको आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से मैंने ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ से मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैंने आपके लिए क्या प्रोसेस बताया था कि मैं एक परचेज का इनवॉइस चढ़ाता हूँ, परचेज की डेट मैंने एंटर करी 1/4, वाउचर नंबर मैंने लिखा, वाउचर नंबर लिखने के बाद बीजी इन्फोटेक से मैं परचेज करना चाहता हूँ। मैं एक डेमो कंपनी है, किसी से भी परचेज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि बीजी इन्फोटेक एक बीजी का सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी है। तो मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी आपके लिए डेमो बता रहा हूँ, तो मैं किसी में भी बता सकता हूँ। यहाँ पर मटेरियल सेंटर का ऑप्शन आता है, तो मैंने ऑलरेडी मटेरियल सेंटर बना रखा है, गोडाउन 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर आपको लगा कि मेरा जो ये माल है इनवॉइस नंबर 666 का जो माल है गोडाउन 1 में मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे जैसे मान लो चना 50 केजी वाला आपके पास सपोज करो 5000 बैग आपने परचेज किए हैं, एक बैग का कीमत है 4500 रुपये। यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने सेव कर दिया। इसी तरीके से आप लोग परचेज करते हैं, यहाँ से मैंने ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ से सेव कर दिया। अब आपके माइंड में ऐसा सवाल आता है कि सर ये हमने फर्स्ट प्रोसेस तो हमने कर लिया, माल जो आया है वो गोडाउन 1 के अंदर मैंने रख दिया, लेकिन अब मुझे बेचना है वो तो मेरा मेन स्टोर से मैं बेचता हूँ, तो अब आपको क्या करना है। यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस मैंने कर दिया, मैंने क्या किया है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वेंट्री के अंदर गोडाउन वाला जो ऑप्शन है मटेरियल सेंटर वाला वो ऑप्शन चालू कर दिया। मटेरियल सेंटर बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे एक परचेज की एंट्री कर दी। इसके बाद स्टॉक आपको चेक करना है कि कौन से मटेरियल सेंटर में आपके पास, कौन से गोडाउन में आपके पास माल पड़ा हुआ है। तो आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले पे क्लिक करना है, स्टॉक स्टेटस पे आपको क्लिक करना है, क्लोजिंग स्टॉक पे आपको क्लिक करना है, बैलेंस ओनली पे आपको क्लिक करना है, ऑल मटेरियल सेंटर में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ऑल आइटम्स में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने F2 प्रेस किया, F2 प्रेस करने के बाद जो भी मेरा स्टॉक है वो मेरे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन से मटेरियल सेंटर में मेरे पास कौन सा माल पड़ा हुआ है, उसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो मैंने परचेज का इनवॉइस चढ़ाया है, अब आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन से गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है। आपको स्टॉक चेक करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल पे क्लिक करना है, एंटर करना है, एंटर करने के बाद यहाँ पे कोलमर का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, ऑल आइटम आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस जैसे ही करोगे तो आपके सामने आपने एक ही परचेज का इनवॉइस चढ़ाया था, उसके अंदर चना 50 केजी के 5000 बैग आपने चढ़ाए थे और वो आपके पास गोडाउन नंबर 1 में रखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आप जो बेचते हैं
तो किससे बेचते हैं? मेन स्टोर से बेचते हैं। अब मैं अगर मेन स्टोर में इस आइटम को बेचने जाता हूँ, यहाँ से मैंने सेल पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं केस में बेचना चाहता हूँ, मेन स्टोर में अगर मैं इस आइटम का स्टॉक देखूँगा तो मेरे पास स्टॉक जीरो है, क्योंकि मेरे पास माल किसमें है, मतलब गोडाउन वन के अंदर मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास 5000 जो बैग है वो किसके अंदर है, गोडाउन वन के अंदर है। तो अब आप मेन स्टोर से आप सेल करना चाहते हैं तो इसका जो प्रोसेस है वो क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब जनरली यही होता है, आप क्या है, आपका जो भी आपका बंदा है उसके लिए एक जनरल जो सिस्टम आपने बना रखा है। बहुत सारे लोग क्या है, कॉपी में अलग से लिखते हैं कि मेरे पास इस गोडाउन में ये माल पड़ा हुआ है। रियल में तो आपने एक ही बना रखा है, रियल में बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपने एक ही बना रखा है, लेकिन आप मेंटेन बहुत सारे एक्सेल में करते हैं, एक्सेल में मैनेजमेंट बिठा रखा है कि आपके पास जैसे वहाँ पर 5000 कार्टून पड़ा हुआ है, वहाँ से आपने 100 कार्टून निकाले, किसी का परचेज सेल का बिल बना तो आपने लेस कर दिए, फिर सेल का बिल बना लेस कर दिए, इस तरीके से वो आपका बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आपका बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, किस डेट को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं 2/4 को स्टॉक ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ गोडाउन वन से और मेन स्टोर में, यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद क्या करना चाहता हूँ, चना कितने बैग करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 100 बैग लिखा और 100 बैग मैंने यहाँ पे लिख दिया। बैग लिखने के बाद यहाँ से मैंने ओके किया। स्टॉक ट्रांसफ़र की जो एंट्री मारी है इसको आप थोड़ा सा डिजाइन करा सकते हैं, इससे क्या होगा कि सामने वाला जो भी बंदा आपका माल लेने जा रहा है इसके लिए आप दे सकते हैं। बहुत से केस में क्या होता है कि आपका जो भी गोडाउन है वहाँ पे भी कोई बंदा बैठा रहता है, उसको आपने दिया, इससे क्या है आप वेरीफाई करा के और सामने वाला आपके लिए 100 बैग दे देगा। छोटी सी स्लिप डिजाइन करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं, ये तो डिफ़ॉल्ट है, ये बड़ा पेज है, आप छोटी सी स्लिप भी डिजाइन करा सकते हैं, सामने वाले के पास आप बोर्ड सब भेज सकते हैं कि भाई ये बंदा आपका आ रहा है, और बंदे का नाम भी आप लिख सकते हैं कि ये बंदा आ रहा है, इसके लिए ये 100 कट्टे आपको पे करवाने हैं। और ये एक तरीके से जैसे आप एंट्री पास करोगे तो आपके मेन स्टोर में ये 100 बैग यानी जो 100 बैग है वो आपके पास आ चुके हैं। अब मैं जैसे सेल का बिल बनाने जाता हूँ, सेल का अगर बिल बनाने जाता हूँ, जैसे मैंने 4-5 यहाँ पे डेटा एंटर करी, इसके बाद केस का नाम सेलेक्ट किया, अगर मैं चना एंटर करता हूँ तो मेरे पास 100 बैग यहाँ पे आ चुके हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि 100 बैग आ चुके हैं। अगर मैं स्टॉक की सीट देखना चाहता हूँ, वापस से मैंने क्या किया, डिस्प्ले पे क्लिक किया, स्टॉक स्टेटस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कॉलमर पे वापस मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी जगह पे कितना कितना माल पड़ा हुआ है। गोडाउन वन के अंदर मेरे पास 4900 बैग हैं और इसके बाद मेन स्टोर में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास 100 बैग हैं, टोटल मेरे पास 5000 बैग हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बीजी का है, आप कहीं से भी ट्रैक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको कुछ भी चेक करना है आपको, ये बीजी की रिपोर्ट है, मैंने स्पेशली इसमें कुछ भी नहीं बनाया है। आप जिन फीचर्स का बीजी का अगर यूज करोगे ना तो वो प्रॉपर आपको रिकॉर्ड मिलेगा, उसका भी आप अच्छी तरह से सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। अब इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको, अगर जैसे चेक करना रहेगा ऐसे जनरली तो क्या करते हैं, अभी जैसे 100 कार्टून का अगर बिल काटोगे आप, अब भी मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे ये 100 जो केस है 100 बैग है इसका अगर मैं बिल काटना चाहता हूँ तो मेरे पास स्टॉक खत्म हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एक बिल काटता हूँ 1/5 को केस में, और ये जो चना है चना का 100 बैग मैंने एक केस का बिल काट दिया, इसकी रेट में 150 रुपये लगाया और यहाँ पे एक केस का बिल काट दिया और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। वापस अगर मैं 2 तारीख को इसी आइटम को सेल करने जाता हूँ तो मेरे सामने दिखाता है नील स्टॉक है, मतलब मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो गया। अगर वापस मैं स्टॉक स्टेटस में जाके चेक करता हूँ तो क्या मेरे सामने स्टॉक दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो स्टॉक मैंने सेल कर दिया है, मेरे पास 4900 ही मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है।
तो आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैंने आपके लिए बताया कि आइटम लेवल पे अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ आएगी। इसलिए तकलीफ आएगी कारण हर आइटम पे आपको बार बार पूछना पड़ेगा, बार बार आपको पूछना पड़ेगा कि कौन से स्टोर से आप सेलेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे आपको मेन पे ही सेलेक्ट करना है, बिलिंग आपकी फास्ट रहेगी, सारा रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों ये बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ही फीचर्स है। इसमें केवल मैंने मेरे हिसाब से, मतलब जनरली यही सिस्टम होता है, मैंने और भी लोगों का जैसे अगर डेटा चेक करते हैं ज़्यादातर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल ही नहीं करते, उनको यही पता नहीं है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह का फीचर्स भी है। तो दोस्तों ये जो आज की वीडियो मेरा बनाने का जो मेन मकसद था कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो तो आप प्रॉपर यूज करो। जितने भी फीचर्स है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जिसका यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं और आप अपना मैनेजमेंट सिस्टम सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।